नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आप सभी स्टूडेंट को बताया था कि हम संडे को टेस्ट कराने वाले हैं, तो हमने टेस्ट करा चुके हैं। अब उसका हम आंसर आप सबको बताने जा रहे हैं, यानी पीडीएफ के रूप में जो भी हमने आप सबको क्वेश्चन भेजा था तो उसका आंसर हमने सॉल्व कर चुके हैं, तो उसका आंसर हम भेज रहे हैं। तो जितने भी बच्चे टेस्ट दिए थे वो सभी बच्चे आंसर अपना मैच कर सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को हम बता दें कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी ईयर हो, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री कोई भी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो या कोई महाविद्यालय के हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आप सबको जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराए थे उसी से संबंधित सभी क्वेश्चन हमने बनाए हैं। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन कुछ बाहर से भी हो सकते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर के और जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, हमने आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, हमारी पूरी कोशिश है कि हर सप्ताह आप सबके लिए हम कुछ 15-20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। तो हमारा आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें उन सभी स्टूडेंट को आप ज़रूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन्हें बताइए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के, बीएससी एग्रीकल्चर में या बीएससी हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में, यानी प्लांट साइंस के सब्जेक्ट या एग्रीकल्चर के, तो उसको आप सबको हम वीडियो के रूप में डिटेल से अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है आप सबको वीडियो के द्वारा प्लस पीडीएफ भी आप सबको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको ये हमारा वीडियो या लेक्चर कैसा लग रहा है। तो चलिए हम जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करते हैं। तो ये टेस्ट नंबर पहला क्वेश्चन आ जाता है, सेल थ्योरी इज गिवन बाय, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका थ्योरी मतलब सिद्धांत इज गिवन बाय, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया। पहले ऑप्शन में रॉबर्ट हुक, दूसरे ऑप्शन में वाट्सन, तीसरे ऑप्शन में फ्लेमिंग, चौथे ऑप्शन में स्लाइडन एवं स्वान। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन एवं स्वान, यानी पहले का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या है लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसको हम देखते हैं, पहले ऑप्शन में माइक्रोग्राफिया, दूसरे ऑप्शन में पीपीएलओ, तीसरे ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा, और चौथे ऑप्शन में नर्व सेल, जिसे बोला जाता है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है नर्व सेल, क्या होता है नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इडबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, यानी फूल गोभी का खाने वाला भाग, क्या हो जाए इडबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर या फूल गोभी का खाने वाला भाग। तो पहले ऑप्शन में है लीव्स, दूसरे ऑप्शन में है रूट, तीसरे ऑप्शन में हेड, और चौथे ऑप्शन में कड। तो फूल गोभी का खाने वाला भाग कड, क्या हो जाता है कड, हमने बताया था चौथा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरे का सी ए यू, मतलब सी से कॉलीफ्लावर, सी से कट हो जाए, क्या हो जाएगा सी से कॉलीफ्लावर, सी से कट। और हेड किसका, हेड पत्ता गोभी खाया जाता है, रूट हमारे गाजर और मूली खाया जाता है, लीव्स हमारी जो पत्तियां होती, तो हमारे जो भी हमारे बथुआ होते हैं, जिनके पालक होते हैं, सभी की पत्तियां खाने वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा किसे कहा जाता है, क्या हो जाएगा किंग ऑफ फ्रूट या फलों का राजा। पहला ऑप्शन है पपाया, दूसरा लीची, तीसरा मैंगो, चौथा बनाना। तो फलों का राजा हम किसे कहते हैं, मैंगो यानी आम को कहा जाता है, किसे मैंगो या आम को, और फलों को रानी किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्रूट, तो लीची को कहा जाता है। चौथे ऑप्शन में, सॉरी चौथे क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन सही है, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच आ जाता है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो पहला ऑप्शन हो जाए डी कैंडोल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एच बी सिंह, तीसरा ऑप्शन हो जाए मेरी गोंडा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा नाना दीच। तो पांचवें में हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, डॉक्टर एम एच मेरी गोंडा, जिसे हमने क्यों लिखा है मेरी गोंडा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच वर्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, कौन से भाषा का शब्द है। तो पहला ग्रीक, दूसरा फ्रेंच, तीसरा लैटिन, और चौथा आलाबदीच। तो ये हमारा किस भाषा का शब्द हो जाए, लैटिन भाषा का, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का। तो ये ध्यान रखना जितने भी लास्ट में कल्चर लगे रहते वो अधिकतर किस भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का। तो क्वेश्चन नंबर छः का हमारा तीसरा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सात,
कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, या कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट इज नोन एज, स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज, यानी फलों की खेती में जिसमें कहते उससे क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो पहला हो जाएगा ओलोरिकल्चर, दूसरा फ्लोरिकल्चर, तीसरा पोमोलॉजी, चौथा ए एंड सी दोनों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही, फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन इज नोन एज, इन सब्जियों की खेती के अध्ययन को हम कहते हैं या जाना जाता है, सब्जियों की खेती को और किस नाम से जाना जाता है, या सब्जियों की खेती के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पहला हो जाएगा पोमोलॉजी, दूसरा ओलोरिकल्चर, तीसरा फ्लोरिकल्चर और चौथा प्लांटेशन। तो सब्जियों की खेती के अध्ययन को यह जाना जाता है ओलोरिकल्चर, क्या हो जाए, ओलोरिकल्चर, सब्जियों की खेती जिसमें हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओलोरिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग, यानी फसलों, यानी जो फसलों की खेती कब प्रारंभ की गई थी, फसलों की खेती कब प्रारंभ की गई थी हमारे या विश्व में या देश में देखा जाए तो फसलों की खेती पहला हो जाता 7000 BC, दूसरा 7500 BC, तीसरा 2000 BC और चौथा 1400 BC। तो फसलों की जो खेती सबसे पहले प्रारंभ की गई थी 7500 BC में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वर्ड ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द, क्या हो जाए, व्हिच वर्ड ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो पहला लैटिन वर्ड, दूसरा लैटिन प्लस ग्रीक दोनों, तीसरा ग्रीक वर्ड और चौथा फ्रेंच वर्ड। तो हमारा एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द हो जाए, लैटिन, सॉरी ग्रीक भाषा का शब्द, किस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द ह्यूमन फर्स्ट पेट व्हिच एनिमल, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, यह द ह्यूमन, मनुष्य ने फर्स्ट, पहली बार पेट मैंने पालतू बनाया था, व्हिच एनिमल, कौन से जंतु को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था, तो पहला कैट, दूसरा एलिफेंट, तीसरा डॉग और चौथा बर्ड्स। तो इसमें जंतु पूछ रहा, तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु, जीव जंतु को पालतू बनाया था, तो डॉग यानी कुत्ता को, किसको, डॉग या कुत्ता को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 12, होमोसाइपियंस जोलॉजिकल नेम इज, होमोसाइपियंस जोलॉजिकल नेम किसका है, पहला ह्यूमन मनुष्य का, दूसरा फिश मछली का, तीसरा डॉग और चौथा रैबिट यानी चूहा। तो मनुष्य का जोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमोसाइपियंस। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, क्या हो जाएगा, फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के पिता, तो पहला हो जाएगी यस ए हैदरी हो जाएगा, दूसरा जोगेंद्र सिंह, तीसरा लॉर्ड लिंथिगो और चौथा हो जाए पीटर डी के सरंजी। तो 13वें में चौथा आसम सही है, पीटर डी के सरंजी को कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 14, फेमाइन कमीशन वॉज एस्टेब्लिशिंग, फेमाइन कमीशन मतलब फेमाइन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1780, तीसरा ऑप्शन है 1680 और चौथा ऑप्शन है 1880। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा चौथा ऑप्शन सही, फेमाइन कमीशन की स्थापना 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ओराइजा सटाइवा इज बोटेनिकल नेम, यानी ओराइजा सटाइवा वनस्पति का नाम है, पहला ऑप्शन मेज, दूसरा सोरघम, तीसरा व्हीट, चौथा राइस। तो ओराइजा सटाइवा जो बोटेनिकल नेम वनस्पति का नाम हो जाएगा राइस, यानी धान का हो जाएगा, किसका, धान का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, IARI वाज एस्टेब्लिश, IARI की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम सबको पता, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो IARI की स्थापना पहला 1934, दूसरा 1929, तीसरा 1936 और चौथा 1905। तो IARI की स्थापना 1905 में होता। क्वेश्चन नंबर 17, ICR डे, यानी ICR दिवस या ICR डे कब मनाया जाता है, पहला 29 जुलाई, दूसरा 16 जुलाई, तीसरा 15 अगस्त, चौथा 26 जनवरी। तो ICR डे कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो पहला आ जाएगा यस ए हैदरी, पहला क्या हो जाएगा, यस ए हैदरी।